आए, आज का दिन काफ़ी एक्टिक था। एक्चुअली आज एक शूट था जो कि था फूड फोटोग्राफी से रिलेटेड, जो कि एक राजा बाग में फास्ट फूड टेक अवे छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप है, कैफ़े है, कैफ़े भी नहीं है, मतलब टेक अवे है, ठीक है। तो उसमें शूट था। उनको क्या एक फ्रेंचाइजी है हैशटैग फूड्स नाम से, दिल्ली की फ्रेंचाइजी है। दिल्ली में 10 जगह में जो दिल्ली में 10 जगह पे है और यहाँ पे एक दो जगह है अभी। तो उन्होंने फ्रेंचाइजी ली थी वैलेंटाइंस डे पे, लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया और सारा फर्नीचर वगैरह काम वगैरह चल रहा था। तो अभी उनको 70 डेज़ हुए हैं ओपन हुए। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत अच्छा, मतलब खाना दिखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहा था, लेकिन उन्होंने ऑफ़र भी किया, लेकिन मैं खाने खाया नहीं मैंने, क्योंकि मेरे को भूख नहीं थी। ओके, वो लेकिन मैंने अभी एक वहाँ पर मॉकटेल पिया, ब्लड ऑरेंज, बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत टेस्टी था। तो अगर आप लोग भी अगर कभी जयपुर में ही हो तो फिर राजा बाग में हैशटैग फूड्स नाम से, तो काफ़ी अच्छा है वो जो वैसे वो। उसके अलावा आज फेसबुक एड्स से जो हमारे पास लीड्स वगैरह आई थी डिजिटल मार्केटिंग के लिए, उन्हें हमने कांटेक्ट करा है। तो काफ़ी, मतलब सारे लोग ऑलमोस्ट इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि सब लोगों को अब समझ में आ गया है कि ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी ज़रूरी है उनके बिज़नेस के लिए। तो बेसिकली यही चीज़ है। तो काफ़ी लोगों से मीटिंग्स फिक्स हुई हैं आने वाले टाइम में, कुछ दिवाली के बाद मिलने का है। तो यही है। हाय, तो अभी भी मैं घर आया हूँ और अभी मैं अपनी वेबसाइट जो है उस पर काम करूँगा। और दूसरी चीज़, हम अपनी जो कंपनी है काइट, उसका जो नाम है हम चेंज कर रहे हैं। अब हम एक नई कंपनी, नई मतलब काइट, एक्चुअली नाम हमें थोड़ा सा ऐसा लगता था कि बहुत कैजुअल है, ठीक है। तो इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हम थोड़ा सा नाम जो है अपनी वेबसाइट का चेंज कर रहे हैं। तो उसका नाम हम रख रहे हैं वेबॉइड वेबसाइट एंड एंड्रॉयड, और उसके अंदर iOS भी बनाएंगे, पर वेबॉइड नाम से लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट और मतलब एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड कंपनी है। तो इसलिए हमने वेबॉइड जो है नाम से डिसाइड करा है। डोमेन हमने कल परचेज कर लिया था, जो कि डोमेन है webvoid.in। तो इस पर इस पे इसकी वेबसाइट भी डेवलप करनी है। उसके अलावा बड़ा बाज़ार जो है उसकी वेबसाइट पे मैं काम कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो यही है। और इसके बाद में कल जो है हमारा एक हैंडीक्राफ्ट्स का शूट है, जो मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर वो बोन्स वगैरह से वो करते हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं। उसके अलावा मार्बल वगैरह के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके पास में, मतलब छोटे से छोटा प्रोडक्ट है बड़े से बड़ा, जैसे कि बड़ी टेबल्स हो गई, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है उनके पास में। तो कल वो आएंगे, तब मैं आपको उनको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा। आज जो शूट था वो हमारा फूड का था, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो वो काफ़ी सही था, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे थे उनके पास जो खाने की वगैरह चीज़ें थी, बहुत सही था। तो यही है, अभी मैं वेबसाइट पे काम करूँगा। उसके बाद मैं कल सुबह 10 बजे एक मीटिंग है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, उसके अलावा दूसरा बड़ा बाज़ार से रिलेटेड भी है, और उसके बाद में शूट है एक, तो वो कल हम देखते हैं कैसे क्या क्या होता है। तो यही है अभी का। ओके, सो बाय। हाँ, मंडे से हम लोग वापस से जो अपना 1 लाख चैलेंज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो आज है जैसे कि अपनी अराउंड 7 नवंबर है आज, तो मंडे से मतलब कि 9 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक हमें 1 लाख रुपए कुछ भी करके कमाने हैं। ओके, सो उसको हम शूट करेंगे, एडवर्टीज़मेंट अपना चल ही रहा है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे एक एक जो है अपना पूरा होता जाएगा लेवल जो अपने गोल की तरफ, तो वैसे वैसे मैं अपनी जर्नी जो है रिकॉर्ड करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो अपना पहले प्लान था। ओके, सो यही है। इसके अलावा दिवाली आ रही है बीच में, लेकिन अपन काम जो है चलाएंगे इसको और करेंगे अच्छे से। अभी थोड़े दिन में अपना स्टूडियो खोलने का भी है, जिसके अंदर रेगुलर डेली वीडियोस आएंगी। उसके अलावा 3-4 प्लान जा रहे हैं और हैं, जैसे जैसे अपन अचीव करते हैं एक एक चीज़, तो मैं धीरे धीरे सारी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। मंडे से हो सकता है कि मंडे से हो सकता है क्या, मंडे से हिमांशु भी हमें ज्वाइन कर रहा है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। एज ए टीम अगर काम करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ठीक ठीक होंगी। तो यही है। ओके, सो मंडे से हम 1 लाख चैलेंज जो है हमारा वापस से शुरू कर रहे हैं, फाइनली एक नई शुरुआत से।